सब्सक्राइब करें गिज़्मो ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं गिज़्मो ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर जी के SRT फ़ोन के बारे में। स्मार्टफोन कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर इस कंपनी ने एक फ़ोन और एक टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किया था और अब स्मार्टफोन लेकर आया है SRT फ़ोन, सचिन तेंदुलकर जी का स्मार्टफोन। SRT का मतलब है सचिन रमेश तेंदुलकर। SRT फ़ोन को आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं हमें इस फ़ोन में क्या कुछ मिलता है और वीडियो के एंड में हम SRT फ़ोन को कंपेयर करेंगे रेडमी नोट 4 से। पहले हम बात करते हैं SRT फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिज़ाइन तो फ़ोन का बढ़िया है, बट आजकल ज़्यादातर फ़ोन यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन के साथ आते हैं, बट इस फ़ोन में हमें प्लास्टिक बॉडी दी गई है। ऊपर की तरफ इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है एंड साथ में आपको एक नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी मिल जाता है एंड इसमें पावर बटन भी ऊपर दिया गया है। ऊपर पावर बटन होने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी फ़ोन यूज़ करने में, बट जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको आदत हो जाएगी। राइट साइड में हमें वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं एंड लेफ्ट साइड इसमें खाली रखी गई है। नीचे की साइड में स्पीकर के साथ एक USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है और एक डबल ग्रिल देखकर आप ये मत सोचना इसमें स्पीकर भी डबल है। इसमें आपको डुअल स्पीकर नहीं मिलता, इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है आपको। फ्रंट साइड में हमें सेल्फी कैमरा मिल जाता है एंड कॉलिंग के लिए स्पीकर एंड नीचे आपको टच कैपेसिटिव बटन मिल जाते हैं। बैक साइड पे हमें कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड स्मार्टफोन की ब्रांडिंग भी बैक साइड पे दी गई है एंड नीचे लिखा गया है SRT फ़ोन। प्लास्टिक बैक पैनल है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं सिम कार्ड डालने के लिए। ड्यूअल सिम के साथ ये फ़ोन आता है एंड 4G वोल्टी इसमें आपको मिलता है। हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 मिलता है, ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 4GB रैम के साथ 32GB एंड 64GB दो स्टोरेज ऑप्शन इसमें आपको दी गई हैं। आप इस फ़ोन की मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसमें microSD के लिए कोई स्लॉट नहीं दिया गया, बट इस फ़ोन के साथ आपको अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिल जाती है जो आप यूज़ कर सकते हैं बैकअप के लिए। इसमें आपको फुल HD 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। रियर कैमरा आपको 13 MP मिलता है f2.0 अपर्चर के साथ एंड फ्रंट कैमरा 5 MP दिया गया है। फुल HD के साथ आप इस फ़ोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 3000 mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है। अब देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 652 के साथ 3000 mAh की बैटरी थोड़ी कम है, लेकिन इस फ़ोन में आपको क्वालकॉम क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस फ़ोन के साथ ही आपको क्वालकॉम का क्विक चार्जर भी दिया जा रहा है, तो अगर आपकी बैटरी जल्दी से डाउन भी हो जाती है तो भी आप उसे जल्दी से फुल चार्ज भी कर पाओगे। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड NFC भी इसमें आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड नोगट मिलता है एंड स्मार्टफोन कंपनी का कहना है कि इसमें हमें लेटेस्ट अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस सब मिलते रहेंगे। फ़ोन का UI बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा रखा गया है, तो इसको यूज़ करने में आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है और इसमें सभी ज़रूरी सेंसर्स भी आपको दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की। SRT फ़ोन के दो वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, 32GB स्टोरेज एंड 64GB स्टोरेज। 32GB वाला वेरिएंट 1299 में मिल जाता है एंड 64GB के लिए हमें देने होंगे 1399। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में आपको रैम 4GB की दी गई है, चाहे आप 32GB स्टोरेज ले लें या 64GB स्टोरेज। प्राइसिंग तो मुझे इस फ़ोन की ठीक लग रही है। स्मार्टफोन ने लास्ट ईयर दो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, दोनों ही मार्केट में नहीं चल पाए। अब देखने वाली बात होगी ये फ़ोन कुछ कमाल कर पाता है या नहीं। स्मार्टफोन एक इंडियन कंपनी है, ये फ़ोन इंडिया में ही डिज़ाइन किया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका कॉम्पिटिशन रेडमी नोट 4 से है। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं रेडमी नोट 4 से, तो डिस्प्ले दोनों में आपको 5.5 इंच फुल HD दिया गया है, बट रेडमी नोट 4 में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जबकि हमें SRT फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। अगर हम प्रोसेसर देखते हैं तो रेडमी नोट 4 में हमें स्नैपड्रैगन 625 दिया गया है एंड SRT फ़ोन स्नैपड्रैगन 652 के साथ आता है। अब देखा जाए तो 652 ज़्यादा पावरफुल है 625 से, लेकिन 625 के साथ आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। रेडमी नोट 4 में 4100 mAh की बैटरी मिलती है, स्नैपड्रैगन 625 के साथ 4100 mAh की बैटरी आपको बहुत बढ़िया इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। SRT फ़ोन हमें 3000 mAh की बैटरी के साथ मिलता है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 652 है वो ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है। फिर साथ में आपको इसमें क्विक चार्जिंग भी मिल जाती है एंड रेडमी नोट 4 में हमें क्विक चार्जिंग नहीं दी गई। डिज़ाइन दोनों फ़ोन का बढ़िया है, लेकिन रेडमी नोट 4 यूनिबॉडी मेटल डिज़ाइन के साथ आता है एंड SRT फ़ोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ। रेडमी नोट 4 में हमें एंड्रॉयड 6 मिलता है एंड SRT फ़ोन में हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड नोगट। रेडमी नोट 4 में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, या तो आप ड्यूअल सिम लगा सकते हो या एक सिम एक SD कार्ड लगा सकते हो एंड SRT फ़ोन ड्यूअल सिम के साथ आता है, इसमें microSD कार्ड के लिए कोई स्लॉट नहीं दिया गया। रेडमी नोट 4 में NFC नहीं है, बट SRT फ़ोन में हमें NFC का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है।
कैमरा दोनों में 13 मेगापिक्सल रियर एंड 5 मेगापिक्सल फ्रंट मिलता है। Redmi Note 4 का कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाकी तो यूज़ करने पे पता लगेगा कि SRT फ़ोन का कैमरा कैसा है। अब आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फ़ोन ठीक है। डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दोनों फ़ोन में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोन्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या ख्याल है SRT फ़ोन के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।